दोस्तों, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चित्यानंदन का मामला आप सभी को पता होगा। स्वामी चित्यानंदन ने क्या क्या हरकतें की हैं, इसके वीडियोस और एविडेंस भी सभी एसआईटीज के पास भी हैं, दूसरी तरफ लोगों के पास भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्वामी चित्यानंद के खिलाफ जो आरोप लगाने वाली छात्रा है, बीते दिन यानी कि 25 सितंबर को एसआईटी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दोस्तों, उसको गिरफ्तार इसलिए किया गया है, बताया ये जा रहा है कि जो लड़की है पीड़िता, उसने जो है स्वामी चित्यानंद को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और ब्लैकमेलिंग में उससे कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, यहां पे सवाल ये खड़ा होता है, क्या स्वामी चित्यानंद को जिस तरह से बीमारी की वजह बता करके जेल से बाहर यानी कि अस्पताल में एसी रूम में शिफ्ट किया गया है, ये क्या आपको उचित लगता है? आज पीड़िता जिसके ऊपर यानी कि जिसको पीड़ित किया गया है, आज वो जेल में है, और जो पीड़ित करने वाला शख्स है उसको आज जेल से बाहर एसी रूम में शिफ्ट कर दिया गया, ये है आज हमारे देश का इंसाफ। वही इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है जो कि मैं आप लोगों को बता वाला हूं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, शाहजहांपुर की लाल की छात्रा पर आरोप है कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चित्यानंद ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। यह बात जो निकी कार्रवाई करने वाली एसआईटी कह रही है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, कोर्ट ने पीड़िता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बेटी की गिरफ्तारी के बाद बेटी के पिता यानी कि पीड़िता के पिता ने सरकार और यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि पिता का कहना है कि उनकी बेटी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि ताकि मामले को हम वापस ले लें, यानी कि हमारे ऊपर मामले को वापस लेने का बहुत बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, यानी कि जो पीड़िता है उनकी यानी कि फैमिली के ऊपर ये लगातार प्रेशर किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो उस केस को वापस लें। जहां तो इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए 23 वर्षीय छात्रा के पिता ने कहा है कि उनकी बेटी के खिलाफ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है, वह बस चित्यानंदन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज दोस्तों, हमारे देश का इंसाफ यह है कि आज जो आरोपी है वो एसी की हवा खा रहा है और जो पीड़िता है आज वो जेल में है। अब इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो सरकार है उत्तर प्रदेश की वो किस तरह से काम करी आप सभी को पता है, जो पत्रकार उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है उनका हाल क्या है ये भी आप लोगों को पता है। दोस्तों, इस पे आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।